नेक्स्ट अगला टॉपिक हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम किसी भी एक तरह के इफेक्ट को किसी और सेंटेंस पे अप्लाई करने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जैसे इसकी साइज बढ़ा दी, साइज बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर जैसे इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक में कर देते हैं और अंडरलाइन से अप्लाई कर देते हैं। सेम यही इफेक्ट अगर हमें सेकंड सेंटेंस पे देना है तो सेकंड पैराग्राफ पे यह इफेक्ट देने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम सेकंड पैराग्राफ को इससे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही सेकंड पैराग्राफ भी इसी पैराग्राफ की तरह बन जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर द्वारा किसी भी एक इफेक्ट को सभी पैराग्राफ्स जो भी बना आपने रखे हैं उन पर हम अप्लाई कर सकते हैं और सेम इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फाइंड रिप्लेस। फाइंड, जैसे हमने कोई भी फाइल यहाँ पर बना रखी है और उस फाइल में हमें किसी वर्ड्स को फाइंड करना है। जैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सॉफ्टकॉर्न को, हमने यहाँ लिया फाइंड और फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे सॉफ्टकॉर्न। अब हम जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया और टाइप करते ही आप देख रहे हैं ये येलो कलर के कलर से हमारा जो सॉफ्टकॉर्न वर्ड है वो सेलेक्ट होके पूरी फाइल में दिखा रहा है। यानी कि हमने इस वर्ड का यूज पूरी फाइल में कहाँ कहाँ किया हुआ है ये आपको पता लग जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर रिप्लेस कमांड्स का भी यूज करेंगे। रिप्लेस का यूज होता है जैसे हम गलती से पूरी फाइल में किसी भी वर्ड को टाइप कर देते हैं जो हमें फाइल में यूज नहीं करना है, तो हम उस वर्ड को वहां से रिप्लेस करके जो हमें लिखना था उसकी जगह हम उस टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लेंगे यहाँ पर रिप्लेस कमांड। रिप्लेस पे हम इस फाइल में से हमको सॉफ्टकॉर्न का यूज नहीं करना है, हमें ये रिप्लेस करना है, तो हम फाइंड वर्ड में तो सॉफ्टकॉर्न को ही रखेंगे और रिप्लेस विद में वह टेक्स्ट टाइप करेंगे जो हमें यहाँ पर यूज करना था। जैसे हमें यहाँ पर मॉनिटर लेना है तो हम टाइप करेंगे मॉनिटर और हम यहाँ लेंगे रिप्लेस। अगर हम रिप्लेस का यूज करेंगे तो यह फाइल में से एक एक वर्ड को रिप्लेस करेगा, और अगर हम सारे वर्ड्स को एक साथ रिप्लेस करके मॉनिटर को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे रिप्लेस ऑल। तो सारे वर्ड्स एक साथ रिप्लेस होकर मॉनिटर में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हम रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद हम लेंगे गो टू कमांड्स। गो टू कमांड्स होता है जैसे हमने फाइल बना रखी है और इस फाइल में हमारी 100, 200, 500 जितनी भी लाइंस हमने टाइप की हुई है हमको उन पर से किसी भी लाइन पर जाना है, तो हम यहाँ गो टू का यूज करेंगे। फाइंड मेन्यू में जाकर यहाँ से लेंगे हम गो टू। गो टू में हम यहाँ पर लेंगे लाइंस। गो टू आर्ट में लाइंस सेलेक्ट करके एंटर लाइन नंबर पर हम उस लाइन नंबर को टाइप करेंगे जो हम लेना चाहते हैं। जैसे हमें डायरेक्टली यहाँ से 20 नंबर की लाइन पर जाना है तो हम यहाँ पर 20 टाइप करेंगे और यहाँ पर गो टू पे क्लिक कर देंगे। गो टू पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि जो हमारा कर्सर बिल्कुल टॉप में था वह अब यहाँ पर 20 नंबर की लाइन पर अप्लाई हुआ है। तो इस कर्सर से आपको पता लगेगा कि आपने 20 नंबर की लाइन यहाँ पर टाइप की हुई है। इस तरह से हम गो टू यूज कमांड्स का लाइनों को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट में जाके हम पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके आप पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको होम मेन्यू के सारे कमांड्स पढ़ाए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इंसर्ट अगले टॉपिक में। धन्यवाद।